हेलो एवरीवन मैं हूँ रूपाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू रूपालीस किचन तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ झंझुनुट कोल्हापुर की मिसल पाव की रेसिपी कोल्हापुर या महाराष्ट्र की मिसल पाव की रेसिपी तो ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुई थी और बहुत ही अच्छी ये रेसिपी है बहुत ही ईजी तरीके से मैंने इसमें आपको बनाना बताया और टेस्ट में तो इतनी लाजवाब है कि आप एक बार, बार बनाएंगे तो बार, बार बार बनाएंगे और घर वाले आपकी तारीफ़ करते हैं। बिल्कुल थकेंगे नहीं तो चलिए रेसिपी मैं शुरू करती हूँ और रेसिपी में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा तो चलिए रेसिपी में आगे बढ़ते हैं यहाँ पर मैंने ली है दाल जैसे मटकी की दाल कहते हैं ये मूँग की दाल के जैसी होती है पर इसका कलर थोड़ा अलग होता है तो ये जो खड़ी मूँग की दाल है मतलब मटकी की दाल है उसे मैंने लिया है इसे अब धो लेंगे अच्छे तरीके से और धो के अब हमें इसे पानी भर के इसे भिगा के रख देना है मैंने इसे रात को शाम को किया था और रात भर ये भीग गई थी और सुबह मैंने इसे भिखा के फिर इसको धो के और मैंने कपड़े में बांध के इसको इसका स्प्राउट निकाल लिया मतलब इसमें जो कोम आ जाती है ना वो ले लिया है तो यहाँ पे इसमें कोम आ चुकी है अब सबसे पहले उसी की तैयारी कर लेते हैं कुकर में मैंने डाला है एक चम्मच के करीब एक पली के छोटी पली के करीब तेल इसमें डाल दिए सरसों के दाने और डाल दिए थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्ची और डाल दिया हरी आ, हल्दी <coughs> तो ये जो कोम निकली हुई डालती अब हम इसे कुकर में डाल के इसको हम कुकर में डाल देंगे और इन सबको आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी की इसको हमें अब अच्छे से सीटी लेके पका लेना है तो मैं इस हल्दी वगैरह ये सब जो डाला है इसमें डाल देंगे और आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक डाला है इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आपस में और फिर इसमें डाल देंगे पानी तो एक्चुअली मैं इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डालूंगी क्योंकि पानी हमें इसका जो कट निकलेगा यानी कि जो स्टॉक निकलेगा वो हमें निकालना है मिसर पाव के साथ में जो अलग से रस्सा दिया जाता है ना वो रस्सा हम इसी से ही बनाएंगे तो अब मैं इसमें एक्स्ट्रा पानी डाल के उसको लगा दी कुकर की सीटी अब उसकी सीटी ले, ले लेती हूँ एक दो सीटी अब यहाँ पे हम करेंगे मिसर पाव के मसाले की तैयारी तो मसाले के लिए यहाँ पे मैंने एक प्याज को कट स्लाइस कर लिया है और एक पाँच से छः लहसुन की कलियाँ मैंने ली है अब हमें प्याज को और लहसुन को अच्छे से तेल में फ्राई कर लेना है तो फ्राई हम मसाला जो बना रहे हैं लहसुन और प्याज को जो हमने फ्राई कर लिया इससे क्या होगा हमारा मसाला जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए बनेगा मतलब तो अगर आप उसको बना के फ्रिज में स्टॉक करके भी रख देंगे तो आपका मसाला ख़राब नहीं होगा एक से दो महीने आराम से चल जाएगा तो देखिए मैंने गोल्डन फ्राई कर लिया है अब यहाँ पर हम ले रहे हैं कुछ अपने मसाले तो ये लिए मैंने दो चम्मच के करीब खसखस एक दो चम्मच के करीब तेल मैंने ली है तो उसके अलावा मैंने यहाँ पे लिया है ये नारियल इसको आधा नारियल है इसको मैंने कद्दूकस कर लिया था और लिया है जीरा और दालचीनी के टुकड़े लौंग और फूल जो होते हैं ना मसाले वाले जो फूल होते हैं क्या बोलते हैं उनको पता नहीं पर फूल बोलते हैं वो ली है काली मिर्ची ली है और बड़ी इलायची ली है और वो जो आ, क्या बोलते हैं अपना हरा धनिया था उसके एक चम्मच के करीब हरा धनिया लिया और हरी इलायची ली है इन सभी मसालों को मैं अब एक कढ़ाई में डाल रही हूँ और इनको हमें रोस्ट करना है तो गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें इन्हीं सभी मसालों को कूस लेना है और उसके बाद में मैंने यहाँ पर डाल दी है पाँच से छः सूखी हुई लाल मिर्च ये तीखी वाली लाल मिर्च है तो मैंने इसको डाल दिया है और ये बहुत ही तीखा मसाला बनता है बहुत ही अच्छा लगता है आपको मिस्र पाव में ये मसाला बना लीजिए बस कुछ और मसाला आपको ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है ये मसाला बन के आप बना के आप फ्रिज में रख दीजिए आराम से तो इन सबको मैंने फ्राई कर लिया है उसके बाद में मैंने इनको ठंडा भी कर लिया था क्योंकि अब हमें इन्हें मिक्सर में, में पीसना है उसके बाद में मैंने इसमें जो हमने प्याज और लहसुन को फ्राई करके रखा था वो भी मैंने इसमें डाल दिए थोड़ी सी डाल दी लाल मिर्च और नमक डाल दिया है बस अब इसको पीस लेते हैं हम तो ये देखिए हमारा बढ़िया सा मसाला बन के तैयार है मिस्र पाव का मसाला ये बन के रेडी हो चुका है और हम अपनी मिस्र में इसी को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे अब मैं मिस्र पाव के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ तो उसके लिए मैंने लिया है प्याज एक प्याज और पाँच तीन से चार लहसुन की कलिया और एक आधा इंच के करीब अदरक लिया है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे ये देखिए हमारा पेस्ट बन के तैयार है तो अब हमने जो मिसर पाव कुकर में बनाई थी तो उसको मैंने ठंडा कर लिया ये देखिए इसको अलग कर लिया उसका जो स्टोक जिसका मैं रसा बनाना है वो मैंने अलग से निकाल लिया है तो इसको हम अलग से पकाएंगे और इसको अलग से पकाएंगे क्योंकि महाराष्ट्र में जब मिसर पाव दी जाती है तो दोनों अलग अलग दिए जाती है रस्सा आप ऊपर से डाल के ले सकते हैं तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में उसी कढ़ाई में मैंने डाल दिया थोड़ा सा तेल उसमें डाल दी सरसों के दाने और थोड़ा सा हींग डाल दिया है और थोड़ा सा कड़ी पत्ती की पत्तियाँ डाल दी है आप डाल रहे हैं हरी मिर्ची इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो अब मैंने यहाँ पे एक प्याज को स्लाइस करके रखा हुआ था कट करके रखा हुआ था उसको भी इसमें डाल दूंगी इसको भी इसमें पका लेंगे ट्रांसलूसेंट होने तक अब इसमें डाल रही थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार ध्यान रखें कि आपने उसमें भी नमक मिर्जर को जब पकाया था दाल को उसमें भी डालता एक चम्मच के करीब मैंने शक्कर डाली अब डाला थोड़ा सा टमाटर इन सबको पका लेंगे अच्छे तरीके से तो यहाँ पे मैं अभी जो तैयारी कर रही हूँ वो जो दाल हमने बनाई थी उसकी तैयारी कर रही हूँ मतलब सूखी वाली की मटकी तो यहाँ पे मैंने दो चम्मच के करीब भर के मैंने अपना जो मिसर पा का मसाला तैयार किया था वो डाल दिया है अब जो हमने अपनी मिसर पका के रखी हुई थी कुकर में जिसका पानी अलग से निकाल दिया था उस मिसर को हम इसमें डाल देंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह हमारी सूखी वाली जो मिसर है वो तैयार हो गई है इसमें हरा धनिया डाल देंगे तो बस ये बिल्कुल बढ़िया सी बनके तैयार हो गया आप चाहो तो इसको ऐसे भी इसमें ऊपर से ना प्याज टमाटर डाल के ऐसे भी खा सकते हो ये ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है इसको ढक के रख देती हूँ मैं उसको मैंने बाउल में अलग से निकाल लिया था ऊपर से बस थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ डेकोरेशन के लिए तो ये बन तैयार है ये ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है गाइस तो ऐसे भी आप ट्राई हो तो ट्राई कर सकते हो तो यहाँ पर मैंने अब लिया है तेल अब तेल में मैंने डाल दी है दो चम्मच के करीब लाल मिर्च तेल मेरा बिल्कुल भी गर्म नहीं था ज़्यादा जिससे हमारी मिर्ची जलेगी नहीं अब जो हमने मसाला बना के तैयार किया था प्याज और लहसुन और अदरक का उस मसाले को उसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से पका लेंगे इस मसाले को तो यहाँ पे अब मैंने डाल दी है दो तीन चम्मच के करीब जो मिसल पाव का मसाला हमने बनाया था वो मिसल पाव का मसाला मैंने इसमें डाल दिया है अब इन सभी को आपस में मिक्स करके अच्छे से बना लेंगे मिक्स कर लेंगे और इसके तेल थोड़ी देर बाद में ही आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा तेल रिलीज हो गया अब जो हमने स्टॉक बना के रखा हुआ था दाल का यानी मटकी का जो स्टॉक था वो हम इसमें डाल देंगे तो ये हमारा हो गया है स्टॉक तैयार मतलब मिस्र पाव का रस्सा तैयार तो देखिए जो हमने ऑयल में पहले ही लाल मिर्ची डाल दी थी उसकी वजह से देखिए कितना सुंदर इसका कलर आया है और ये बहुत ही टेस्टी था आप बच्चों को ऐसे ही ये खा पीने के लिए दे सकते हैं अगर बच्चे चाहें तो बच्चों को बनाना बहुत मुश्किल होता है बस इसमें एक बॉईल हूँ मैं हरा धन्य डालूंगी और हमारा मिस्र पाव का रसा तैयार है महाराष्ट्र में इसे अलग से दिया जाता है आप चाहो तो मिस्र पाव मिस्र जो हमने बनाई सूखी उसके ऊपर भी डाल के ले सकते हो या फिर इसे अलग से भी ले सकते हो तो मैं बिल्कुल महाराष्ट्रीय स्टाइल में जैसे कि मैं नाशिक में रहती थी तो जब मैं सादा के मिस्र पाव में जाती थी वो लोग देते थे बिल्कुल इसी तरीके से उस वहाँ पर दिया जाता था तो मैं न्यू इसी तरीके से सर्व करें तो यहाँ पे एक कटोरी में अलग से मैं जो सूखी वाली मिश्र हमने बनाई है वो डालेंगे अब मिश्रा पाव का थोड़ा सा रसा इसमें डालूंगी और रसा अलग से भी दूंगी में प्लेट में तो जिसको जितना लगे उतना डालो बहुत ही अच्छा लगता ही है अब ऊपर से थोड़ा सा प्याज हरा धनिया टमाटर हरी मिर्च ये सब डाल देंगे इसके ऊपर और ये चाहो तो ना आप ऐसे चाट की तरह इसको ऐसे भी खा सकते हो और ये बहुत अच्छा है तो ऊपर से थोड़ा सा डाल देंगे नींबू अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो अपना मिक्सचर आता है वो डाल रही हूँ क्योंकि इसमें ऐसे ही डाला जाता है और जो अपनी रतलामी सेव है वो डाल दिए ऊपर हरा धनिया डालिए बस अब साथ में पर्व को सर्व कर देंगे और ये हमने रख दिया है रस्ता यहाँ पे और थोड़ा सा प्याज सैलेड के तौर पे मैं अलग से दे रही हूँ ये भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही यम्मी बन के तैयार होता है ये मसलर पाव आप एक बार ज़्यादा रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मिल तो मैंने फिर बाद में वो अच्छा नहीं लग रहा था फिर बाद में मैंने उसको कटोरी में अलग से दे दिया है तो देखिए कितना झंझनी और बहुत ही टेस्टी है मिस्टर पाव बन के तैयार हो हो गया है आई होप आपको ये पसंद आई होगी वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू तो माई चैनल मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक लिए बाय बाय